प्यारी सी छोटी सी फिल्म है, खूबसूरत सी, जिसको अब इतनी इसी पर्पज से बनाया गया है कि लोग देखें, थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए। आम जिंदगी कहानी है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, जो 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 होता रहता है परेशानी, उस परेशानी से अगर जो है किसी के लिए किसी की परेशानी होती है, किसी लिए किसी की खुशी होती है। तो ये फिल्म से लग रहा है कि ऐसी कुछ दुनिया में ये है, दुविधा में भाई साहब, जो हमको शायद वो ऐसा लगे कि तकलीफ भरी बात है, पर है थोड़ा सा मजेदार। तो छोटी सी फिल्म यार, अच्छी सी फिल्म देखिए, मजा आएगा। अभी कैसे बताऊँ, किरदार जो है एक डॉन टाइप के आदमी का है, किरदार जो है तो वैसा है, कुछ है मजा अच्छा है। काफी लोग बाकी भाई अपने सारे देखिए, अच्छे अच्छे एक्टर हैं, तो उनको आपको देख के जो है बहुत मजा आएगा। थैंक यू। बस जैसे सर ने बोला कि हमने एक मज़ेदार फिल्म बनाने की कोशिश करी है, कोई ऐसे देश बदलने वाली फिल्म नहीं है, हमारे देश से जुड़ी कहानी है। हम लोग ऐसे किरदार अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, 9 से 5 की जॉब वाले, तो बस वही कहानी है कि कैसे कैंसर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस करता है, और एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, पर जब कैंसर जैसी बीमारी लाइफ में आ जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स कैसे ओवरटेक कर लेते हैं। और बड़े भाई हैं हमारे, गुरु हैं हमारे। नहीं गुरु नहीं, भाई बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने पंचायत में भी एक फंसाने वाले किरदार के साथ एक दबंग किरदार भी निभाया है, और मुझे लग रहा है इसके अंदर भी आप फंसाएंगे और एक दबंग किरदार भी निभा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा है मजेदार सा है, स्पेस अलग कुछ कुछ जो है कहा गया करने के लिए, थोड़ा सा है पर आपको अच्छा लगेगा, मजेदार होगा। अगर बता सकेंगे पंचायत नया अभी तो लिख रहा है भाई उसकी, देखिए अभी एक लिखने और बनने में 1.5 से 1.5 साल लग जाता है, तो हम लोग की कोशिश है कि जल्द से जल्द, पर अभी राइटिंग चल रही धुआंधार तरीके से उसमें ऐसा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके पास आए कि क्या कुछ कारण था जिसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समर्पण जो इस फिल्म का हीरो है उसका कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट और ब्राइट फ्यूचर बोलना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने सुपरस्टार है उनकी पहले पिक्चर राइट ने की है, जैसे शाहरुख भाई, ऋतिक भाई, रणवीर सर, अक्षय, आलिया, दीपिका, मल्लिका, बिपाशा, एनी सुपरस्टार इन मुंबई में 90% सबके पहले पिक्चर मैंने किया है, तो मैं इतना ब्राइट उतना लक्की इनके लिए, तो समर्पण के लिए भी ये पिक्चर लक्की हुआ है और ये पड़ गए पंगे सुपर डुपर हिट हुए, ये साल की हिट फिल्म में उनका नाम आवे ऐसे दिल से इच्छा है। और बहुत मस्त कॉमेडी साफ सुथरी फैमिली मूवी है। वो सब डिसीजन उन्होंने लिया है, मेरा काम तो इसको फेमस करना, पब्लिसिटी करना, मार्केटिंग करना और इनको फिल्म को प्रमोट करके बड़ी बनाना। 300-400 स्क्रीन पीवीआर की ली है, पीवीआर आइनॉक्स की बहुत सी स्क्रीन ली है, और ये पहली फिल्म की जिसको इतनी सारी स्क्रीनें मिली है, मतलब मीडियम लेवल पे इतना बड़ा पिक्चर बनाया जाए। यार स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, थोड़ी सी चीज़ें थी उस पर हमने काम किया, फिर हमने बिना सोचे बनानी शुरू कर दी और कल रिलीज़ हो रही है, तो वो स्क्रिप्ट की किस्मत थी और अब कल रिलीज़ हो रही है, तो अभी सब ऑडियंस के हाथ में, लेट्स सी, ऑल द बेस्ट है हमें और आप सब भी देखना प्लीज़। यार स्टार मेन लीड्स के लिए तो ऑडिशन किया था, और जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है वो हमने अप्रोच किया और लकीली सब मान ही गए जिनको जिनको पहली बार अप्रोच किया, तो इस फिल्म की किस्मत है कुछ, अब होपफुली लेट्स सी क्या होता है। इस फिल्म में यार पंगे पे पंगा पड़ता रहता है और बहुत कॉमेडी है, तो उस सेंस में बहुत अच्छी है, आप बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स को बहुत हंसी के नज़रिए से देखते हैं, वो तो प्रॉब्लम्स लगती भी नहीं है बट बहुत रिलेटेबल कॉमेडी है, तो वो बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। स्टार कास्ट जो फाइनलाइज करने का नॉर्मल तरीका है, उसी हमने एक कास्टिंग डायरेक्टर हायर किया था, उस उनके उन्होंने जो फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ के जो सजेशन दिए थे उसके हिसाब से हमने कास्टिंग की, और एक एक करके लोग जुड़ते चले गए, पहले समर्पण जी आए, फिर उसके बाद वर्षा आई, फिर फैजल भाई आए, फिर राजेश जी आए, फिर राजपाल यादव जी आए, सब ऐसे जुड़ते चले गए। हाँ कहानी बेसिकली हमारी फिल्म कॉमेडी है, ठीक है, इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स बोलते हैं, तो जो हमारे हीरो हैं उनके एक गुरु जी हैं, वो दोनों एक
प्रॉब्लम में फंसते हैं और फिर वो प्रॉब्लम लीड करते हैं एक और प्रॉब्लम पे आ जाता है और फिर वहाँ से क्लाइमेक्स की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरा आता है, दूसरे से निकलते हैं, तीसरा आता है और तीसरा एंड की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली कॉमेडी ऑफ एरर्स। हाँ देखिए, ये कमर्शियल फिल्म है, फॉर्मूले पे आधारित ही है। तो हमने एक ऐसा गाना यूज़ किया है, जरूर क्लब सॉन्ग यूज़ किया है, लेकिन हमारा सिचुएशनल है, फोर्स्ड नहीं है। तो हमारी कहानी के हिसाब से है वो गाना है, हमारी कहानी में उस गाने की ज़रूरत थी तो हमने उस गाने को डाला है। सो दैट सॉन्ग इज देयर, वो गाना है वहाँ। पूरी फिल्म हमने मोहाली में शूट किया है, चंडीगढ़ के पास जगह है मोहाली, मोहाली में शूट किया। चार गाने हैं, एक वरुण खोकर ने गाया है, अरमान मलिक ने गाना गाया है और सपना सैन ने गाना गाया है, तो और एक सुदेश भोसले जी ने गाया है। थैंक यू। फैमिली एंटरटेनर है, बहुत बढ़िया कॉमेडी है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और मैंने इसमें तीन गाने और बैकग्राउंड स्कोर किया है इसका। और आप लोग कल जाके थिएटर्स में ज़रूर देखिए और इन्जॉय करिए इस फिल्म को। पड़ गए पांगी इज अ सुपर फन फिल्म एज फार एज आई वॉच द ट्रेलर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज समर्पण इज इन इट एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज वर्क्ड वेरी हार्ड। सो गाइस डोंट फॉरगेट एंड गो एंड वॉच पड़ गए पांगी। Yeah, I have my project coming out, which is Ayushmati Geeta Matric Pass. It's based on education. It releases in October and I'm super excited. It's based on Beti Bachao, Beti Padhao, which is a very, very important topic today. So, wait for it. Thank you. Thank you so much. के बारे में तो अभी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इनका लव इंटरेस्ट है और मूवी में काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही है, तो अभी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। काजल और शाहरुख वाली मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम सेट पे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम तो मतलब अभी बॉन्डिंग नो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म गाइस, ऑल द बेस्ट। वो मेरे साथ बहुत पंगे लेती थी सेट पे, आती नहीं थी टाइम पे, मैं बेहतर रहता था, मेकअप लगा के उसका मेकअप चल रहा होता था, पर उसको जरूरत नहीं है मेकअप की, सुंदर बहुत है वो। मैंने कभी कोई पंगे नहीं लिए इनसे, इनसे पंगे ले सकता है कोई? अरे नहीं, मैं तो शरीफ भोला वाला सा लड़का। अभी तक थैंक गॉड कोई नहीं हुआ है, अच्छा पंगा हुआ है जो आज होगा वो सबसे बेस्ट पंगा होगा मेरी लाइफ का। यार मैं तो पंगे लेता ही रहता हूँ और बेस्ट तो यही है भाजी, जब स्कूल में छोटे मोटे लिए हैं, सबको तंग किया है, सस्पेंड हुए बहुत बारी, वही है छोटे मोटे लाइफ तो पंजे से ही चलती है। अरे हम तो बहुत एक्साइटेड है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा दिन है, आप लोग एज ऑडियंस देखिए एक्साइट होइए तो मजा आएगा। जो भी 30 तारीख को मूवी देखने जा रहे हैं प्लीज आप बहुत इंजॉय करेंगे, प्लीज एडवांस बुकिंग कर लीजिए, क्या पता हाउसफुल हो जाए। By the way, हाउसफुल चल रही है काफी सेंटर्स में, काफी सेंटर्स में हाउसफुल चल रही है, तो बॉम्बे की पब्लिक आप लोग अपना प्यार दीजिए, हाउसफुल कीजिए और एडवांस बुकिंग कर लीजिए प्लीज। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया और अब हम उन कलाकारों को देखने जाना चाहते हैं, पिक्चर शुरू हो चुकी है तो इसलिए आप बताइए अगर आप इजाजत दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग। और प्रोड्यूसर ना पकड़ा जाए हाथ रंगी। चलो बहुत बड़ा शुक्रिया, ये फिल्म के जो स्टार कास्ट है खासकर राजेश शर्मा जी और हमारे राजपाल यादव जी और ये भैया फैसल भाई, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और पूरी टीम ही बहुत एनर्जेटिक है। मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत की इमरजेंसी की तरह ये करेंसी कमाए, क्योंकि कंगना रनौत तो क्या हो गया है, बीजेपी में है, खुद है बीजेपी में और फिल्म कांग्रेस की कर रही है, ये कौन सी इमरजेंसी भाई? अगर तू रियल बीजेपी वाली है तो तुझे इंदिरा गांधी का नहीं नरेंद्र मोदी का रोल करना चाहिए। अरे कंगना है ना, कुछ भी कर सकती है। परसों मैं मंडी जा रहा था, मेरी बीवी ने कहा जा रहा है, मैं मंडी जा रहा हूँ, बोले आता तो कंगना ले आना। ऑल द बेस्ट। और मेरी आने वाली फिल्म कॉफी विथ अलोन, गाली गलौज तो आ चुकी है, वो
बहुत सारे OTT पर है, YouTube पर भी है गाली गलौज, लेकिन कॉफ़ी विद अलोन जल्दी आ रही है, उसे जरूर देखिएगा। ये फिल्म एकल फिल्म है, एक ही कैरेक्टर है, कोई दूसरा इसमें है नहीं, तो मगर बहुत अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। कॉफ़ी विद अलोन इन ब्रैकेट ये फिल्म कैरेक्टर लेस है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्टर है, कैरेक्टर में जल्दी आ रही है। ऑल द बेस्ट।